तो आप देख रहे हैं बजट 2017-18 राजस्थान का बजट क्या होगा खास, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपने कई लोगों के व्यूज भी सुने, किस तरह की अपेक्षा है। हम आपको बता दें कि पिछली बार का बजट अलग हटके बजट को देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चौथा बजट पेश करेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले का बजट होगा, ये एक साल पहले का बजट होगा। 2018-19 का जो बजट आएगा वो बजट एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी सरकार होगी वो पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2018 नवंबर में हमारे यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे और 17 का पूरा वित्तीय वर्ष ये बजट देख पाएगा। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि ये बजट पूर्ण बजट है और चौथा बजट वसुंधरा राजे का होगा। उनका जन्मदिन है, महिला दिवस है, तो ऐसे में कई सौगातें दी जा सकती है, उम्मीद की जानी चाहिए। उदय योजना पिछली बार लागू की, 60,000 करोड़ घाटा डिस्कॉम्स का उन्होंने सरकार ने अपने माथे लिया और कहा जा रहा है कि उससे घाटा कम होगा, उसको लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। रिफाइनरी का क्या होगा, पिछली बार जिक्र नहीं था, उसमें कहा गया था कि हम इसमें प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। रिबेट कहां दी जा सकती है, नोटबंदी के बाद बेशक सरकारें कुछ भी दावा करें लेकिन आम जन की कमर टूटी हुई कही जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट के क्या अवसर निकलेंगे, एजी ने सरकार की उन तमाम जो अटकलें और जो दावे थे उनकी पोल भी खोली है कि जिसमें साफ बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट, जिसको लेकर प्रतिपक्ष कई बार ये बात कहता था कि ये स्किल डेवलपमेंट नहीं, ये स्कैम डेवलपमेंट होगा, और वो ही हुआ कि जहां मौके पे देखें वहां स्टूडेंट्स नहीं है और सेंटर कहीं के कहीं चल रहे हैं। ये अभी आपने देखा कि एजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ दिखाई भी दिया है, गवर्नमेंट को इस पर सुधार करना चाहिए। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए अजय अग्रवाल साहब हैं, बाबलाल गुप्ता साहब हैं, रामपाल जी जाट साहब किसान नेता हमारे साथ में हैं, गजेंद्र सिंह जी कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, यूथ में कविता चौधरी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेंट्रल बजट देखा आपने और अक्सर सरकारें ये देखती हैं कि फेडरल जो बजट हमारा आता है उसकी कुछ छाया स्टेट बजट्स भी देखी जाती है, उनकी कुछ योजनाएं जो होती हैं बड़ी स्मार्टनेस के साथ में मुख्यमंत्री राज्यों की सरकार उनको अडॉप्ट करके, जो मालूम है कि जब ये योजना आ रही है तो मेरे स्टेट में भी आएगी, उसका नाम भी बदल देते हैं। आपको ध्यान होगा पहले नरेगा जब शुरू हुई थी, कुछ जिलों में शुरू हुई थी, तो उसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना के साथ जोड़ दिया गया था। इसी तरह से स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री जनावास की बात की गई है, तो योजनाओं को अपने नाम के साथ में जोड़ के देखा जाता है। इस बजट की अगर बात करें, क्योंकि हमें लगता है कि 17-18 का जो बजट आएगा ये पब्लिक ओरिएंटेड बजट होना चाहिए और इससे उम्मीदें काफी हैं लोगों को। सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, जो अभी यह आने वाला बजट है इससे काफी उम्मीदें हैं। जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि ये चौथा बजट है और आने वाले कुछ समय बाद के अंदर राज्य में इलेक्शन भी है, पर जैसा देखा जाए कि जो अभी नोटबंदी का असर व्यापार जगत के ऊपर और एक आम जगत के ऊपर हुआ और केंद्रीय बजट के अंदर कुछ बहुत ऐसा कुछ परिलक्षित नहीं दिखा कि जिससे उन सब चीज़ों के बहुत तुरंत फौरी कोई किसी चीज़ के ऊपर रिलीफ मिला जाए, तो हम उम्मीद करते कि वहाँ नहीं मिला तो स्टेट के अंदर हमारे कहीं ना कहीं से अपने को ऐसी चीज़ों का रिलीफ मिलना चाहिए कि जिससे आने वाले समय के अंदर जो व्यापार है या आम जन है जो उनमें कहीं ना कहीं उनको रिलीफ होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनावास योजना है, उन सब के ऊपर अभी तक काम तो हो रहा है पर उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा और जब तक उनके ऊपर सुविधाएं या कुछ एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा जब तक उनमें गति नहीं पकड़ी जाएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री जनावास योजना हो चाहे दूसरे तरह की जो भी योजनाएं बनाई गई हैं व्यापार वगैरह को वृद्धि करने के लिए, कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय के अंदर जैसे यहाँ पे कुछ सभाएं भी हुई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें सरकार ने एग्रीमेंट भी किए हैं पर उन एग्रीमेंटों में बहुत कुछ परिवर्तित नहीं हुआ या उनको धरातल के ऊपर आने में अभी बहुत समय लग रहा है, उन चीजों को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए ये हम उम्मीद करेंगे इस बजट में इस तरह की कुछ सुविधाएं या ऐसी योजनाएं लाई जाएं कि यहाँ पे देश का प्रदेश का विकास और क्षेत्र का विकास हो सके। रामपाल जी, किसानों के हितों की बात आ रही है और किसान से उम्मीद भी है, अन्नदाता कहा जाता है, जीडीपी में बड़ा योगदान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग्स होती हैं लेकिन स्टेट भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कृषक और कृषि बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो सकता है ये कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जब अभिभाषण राज्यपाल का था उसके बहस के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भी उन्होंने कहा था कि
किसानों के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है और हम किसानों को देख करके ग्रीन हाउसेस के पैसे भी बढ़ाने की बात अभी कही है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने जिक्र किया था। तो ये माना जा सकता है कि इस बार का बजट, पहले तीन बार के बजट में सरकारें देखे सभी यही कहती हैं कि विकास के लिए कुछ कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी, वो देखी जा सके। गाड़ी अभी ढलान में है, नीचे उतरना है आपको, यानी कि समय पूरा होता जा रहा है, तीन साल कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा बजट है, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर हो सकता है किसानों का और खेती का। योगेंद्र जी, आशा तो सब यही कर रहे हैं और राजस्थान में तो विशेषकर कृषि और किसान यही प्रदेश की खुशहाली का आधार है और इन तीन वर्षों में जो पूरे हुए हैं इसमें तो किसानों की कमर तोड़ने में सरकार ने कमी छोड़ी नहीं। और अभी जो केंद्र का बजट आया उसमें हम देख रहे थे कि जो किसान नोटबंदी के कारण से अपनी उपजों को औने पौने दामों में बेचने को विवश हुआ और जो अपनी उनालू की बुवाई के लिए, रबी की बुवाई के लिए पैसे को तरसता रहा और सरकार हंसती रही, यदि वहाँ भी केंद्र सरकार इस वर्ग के लिए कुछ उपाय करती, इनको क्षति की पूर्ति के लिए कुछ बजट में प्रावधान करती तो अच्छा रहता। हाँ, एक बात अवश्य होती है सदाई, हमेशा नाम किसान का रखा जाता सबसे आगे, लेकिन किसान के नाम पे दिया कुछ नहीं जाता। और मैं एक उदाहरण दूंगा, केंद्र का जो बजट आया उसमें घोषणा हुई बजट में 10 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराएंगे किसानों को और कुल बजट है 21,47,000 करोड़ का, यानी 46.56% वो ऋण देंगे बजट का। लेकिन जो बजट आवंटन किया गया उस आवंटन में न ऋण की कोई उल्लेख किया गया न 10 लाख करोड़ को उल्लेख किया गया। इसका अर्थ है कि वह 10 लाख करोड़ वो रिटर्न की चीज है, वो बजट का अंश ही नहीं है। तो बजट का जो अंग ही नहीं है उसके बारे में भी बजट में इसलिए उसको गिना रहे हैं जिसको लोगों को लगे कि हाँ भाई किसानों के लिए ये सरकार कितना कर रही है। तो इस ढंग की बात देखी जाती है। इसी ढंग से उन्होंने जिक्र किया किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे और दोगुनी करेंगे पिछले बजट में भी थी, इस बजट में भी है और किसानों को डर लगने लग गया कहीं दोगुनी के नाम पर किसानों की आमदनी आधी नहीं कर दे। और अभी राज्य सरकार का जो बजट है, हम तो मैडम को उनके जन्मदिन पर अग्रिम शुभकामना भी देना चाहेंगे और उनसे आप जन टीवी के माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि मैडम ये चौथा बजट है, इस चौथे बजट में जो आपने अपने सुराज संकल्प में किसानों के लिए जो वायदे किए थे, अरे उनको पढ़ लो एक बार और उनको पढ़ के पूरा कर दो तो राजस्थान में खुशहाली की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहां तो सरकार न तो किसानों को प्राथमिकता देती है, अभी भी ये जो करते हैं किसानों के नाम पर राज्य सरकार ने जो किया और अनेक राज्य सरकारों ने किया, किसानों के नाम पर एग्री टेक मीट ग्राम का आयोजन, और अब तो हमारी राजस्थान सरकार बहुत उत्साहित है उसे और अब ये संभाग स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन ये एग्री टेक मीट जैसे आयोजन ये किसानों के नाम पर कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और कृषि व्यापार में भी हमारा छोटा व्यापारी नहीं, जो बड़े ऊंचे व्यापारी है जिनके हाथ में पूरी सत्ता को संभालने की क्षमता है, पूरी सत्ता को चलाने की क्षमता है, उनको लाभ कैसे हो, इसके लिए एग्रीटेक मीट जैसे कार्यक्रम राजस्थान में किए गए और वही हो रहा है। तो मुझे थोड़ी सी आशंका है कहीं एग्रीटेक मीट का जैसा प्रसार किया गया कि किसान हितैषी सरकार है, उसने एग्रीटेक मीट किया अब किसानों का भाग्य खुल जाएगा, इस ढंग का प्रचार जरूर हमारे हिस्से में आता है लेकिन हमारे हिस्से में न बजट आता है न खुशहाली आती। चले, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि बजट से कुछ उम्मीदें हैं आपको। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपने सही कहा, हम तो सदा ही उम्मीद बांधे रहते हैं जी। और हमें अभी भी उम्मीद है कि मैडम जरूर अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए वायदों के अनुसार इस वर्ष सरसों की खरीद एमएसपी पे करेगी और एमएसपी पे नहीं भी करे तो जो आज एक क्विंटल सरसों का लागत 4,000 रुपए किसान को बेचनी पड़ रही है 32,000 रुपए प्रति क्विंटल में,
तो एक ही क्विंटल पर लागत के अनुसार 800 रुपए का घाटा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया है उसके अनुसार 500 रुपए का घाटा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में। बाबूलाल जी, सीधा संपर्क आपका किसी भी वर्ग की किचन से लेकर के और उसकी दिनचर्या पे पड़ता है। खाद्य पदार्थों के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता और सीधा असर उसी पर पड़ता है। हर व्यक्ति देखता है कि अगर मेरा किचन का बजट गड़बड़ाता है तो निश्चित रूप से उसकी दिनचर्या भी गड़बड़ाती है, उसके पूरे एक महीने का जो रूटीन है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्या उम्मीद की जा सकती है वर्तमान परिस्थितियों में कि मुख्यमंत्री को यह देना चाहिए, क्योंकि आप उस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं जब वे बजट से पहले सरकारों को आप अवगत कराते हैं कि जनता की मानसिकता ये है, ये सोच है, ये आपसे उम्मीद करते हैं? देखिए, जहां तक एडवाइजरी कमेटी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ कई सारे आयाम हैं और सब लोगों ने सब कुछ मांगा है, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों के लिए, जल स्वावलंबन योजना के लिए और कुओं को साफ करने के लिए, बांकड़ा बांध को लेकर के जो जल की व्यवस्था उसके लिए, मतलब सब जगह कहीं ना कहीं मांग हुई है। इसी प्रकार खेती को आगे बढ़ाने के लिए, बीज का अनुसंधान के लिए, बीज की व्यवस्था और फिर उसके बाद में उसकी मार्केटिंग, और मार्केटिंग में भी जैसे हमारे भाई रामपाल जी कह रहे थे कि समर्थन मूल्य तो कम से कम मिले, तो वही अभी 8 लाख टन मूंग पैदा हुआ रामपाल जी, और 1 लाख टन गवर्नमेंट ने खरीदा 52 रुपए में और बाकी 45 में बिका। अब आपकी सरसों मान के चलिए 30 और 32 में ही बिकेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अब इसके अलावा आप देखिए, यहाँ यातायात से संबंधित कभी बसों की बात होती है, कभी कोई यातायात में और किराया घटाने की बात होती है। अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट की तो सिनेमा वाले कहते हैं हमारे यहाँ टैक्स घटाइए। अगर बात करें इंडस्ट्री की तो देखिए, एक इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ, पहले है मिनरल इंडस्ट्री। मिनरल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आपका पूरी बेल्ट आ जाती है किशनगढ़ से लेकर के उदयपुर तक की, और वो सारे के सारे मांग करते हैं मार्बल और ग्रेनाइट के लिए, कुछ स्लेट के पत्थर के लिए मांग करते हैं, कुछ दूसरे पत्थर के लिए मांग करते हैं। और तीसरी बात हम करें तो अगर रिफाइनरी वाली जो बात आप कर रहे थे कि रिफाइनरी में अब कुछ ना कुछ किया जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ रिफाइनरी में अभी कुछ हो पाएगा। कुछ मेट्रो की बात की जाती है कि सेकंड फेज के मेट्रो का क्या होगा, इसमें क्या रियायती